दोस्तों, आजकल काफी लोगों में रीढ़ की हड्डियों में दर्द होने की समस्या देखने को मिल रही है। क्या बुढ़ापा क्या जवान, सभी लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि रीढ़ की हड्डियों में दर्द होना एक आम समस्या सी बन गई है। ऑफिस में दिन भर लगातार कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने बैठे रहना या अन्य कोई भी बैठने वाला कार्य करने से रीढ़ की हड्डी पर काफी दबाव पड़ता है, जो रीढ़ के हड्डियों के दर्द का कारण बनता है। इसके अलावा खेल कूद में चोट लगना, बैठने का गलत पोस्चर का होना, गठिया के दर्द की वजह से भी रीढ़ की हड्डियों में दर्द की शिकायत हो जाती है। तो ऐसे में आपको थोड़ा भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताए गए हैं जिसे अपनाकर आप आसानी से रीढ़ की हड्डियों के दर्द से आप छुटकारा पा सकते हैं। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, समझने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। आइए दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला जो तरीका है, जो नुस्खा है, वो है चिया सीड्स का। अगर आप अक्सर रीढ़ की हड्डी में दर्द से परेशान रहते हैं तो आप अपने डाइट में चिया सीड्स को शामिल कर सकते हैं। चिया सीड्स में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जो आपके हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाने और सूजन को दूर करने के साथ ही साथ आपके पाचन को भी दुरुस्त करने का काम करता है। ऐसे में अगर आप काफी दिनों से रीढ़ की हड्डी के दर्द से परेशान हैं तो आप चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलता है। बाकी इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, चाहे तो चैनल पर है, आप जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद अगले नुस्खे की बात करें तो वो है मेथी के दाने का सेवन करके। रीढ़ की हड्डी में दर्द से राहत दिलाने में मेथी के दाने का सेवन भी आपके लिए बहुत ही अच्छा लाभकारी हो सकता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, विटामिन के जैसे कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपके हड्डियों के लिए भी बहुत ही लाभकारी साबित हो सकते हैं। ऐसे में मेथी के दाने के सही इस्तेमाल से जड़ से रीढ़ की हड्डी के दर्द को जो है ठीक किया जा सकता है। ऐसे में इसका इस्तेमाल करने के लिए 3 से 4 चम्मच मेथी के दाने को रात भर के लिए पानी में भिगो कर रख दें और सुबह उठकर उसे छान लें और उसमें सेंधा नमक मिलाकर बासी मुंह जो है इसे चबा चबा करके खाएं। नियमित रूप से 1 महीने तक लगातार इसका सेवन करने से आपको रीढ़ की हड्डियों के दर्द से आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद अगला जो उपाय है वो है कुछ फल और सब्जियों के सेवन से। रीढ़ की हड्डी के पुराने से पुराने दर्द से छुटकारा पाने के लिए आप अपने डाइट में खट्टे फल और हरी सब्जियों को शामिल कर सकते हैं। कुछ खट्टे फल जैसे मौसमी, संतरा, नींबू आपके इम्यून को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करते हैं और आपके पूरे शरीर को हेल्दी बनाए रखने का काम करते हैं। और वहीं सब्जियों में केल, ब्रोकली, पालक, मेथी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। ये स्पाइन में इन्फ्लेमेशन को रोकने का काम करते हैं और आपकी रीढ़ की हड्डी के दर्द को दूर करने का काम भी बहुत ही आराम से करते हैं। कुछ दिनों के ही इस्तेमाल से आप देखेंगे बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगला जो है वो है काजू बादाम का सेवन करके। बचपन से ही हमें काजू बादाम का सेवन शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद बताया गया है, क्योंकि इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे कई सारे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए रीढ़ के हड्डियों के दर्द को कंट्रोल करने और रीढ़ के हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आप काजू बादाम का सेवन कर सकते हैं। ऐसे में इसका इस्तेमाल करने के लिए आप दूध में कुछ काजू बादाम के टुकड़े डालकर उसे अच्छे से पका लें और उसे हल्का ठंडा होने के लिए रख दें। जब दूध हल्का गर्म रह जाए तो खाना खाने से पहले इसका सेवन करें। 1 महीने तक लगातार इसका सेवन करने से आपको रीढ़ की हड्डियों के दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद अगला जो उपाय है वो है सरसों और लहसुन के तेल का इस्तेमाल। आयुर्वेद में रीढ़ की हड्डी के दर्द को दूर करने के लिए लहसुन और सरसों के तेल को बहुत ही उपयोगी बताया गया है। ऐसे में इसका इस्तेमाल करने के लिए आप सरसों के तेल में लहसुन की कुछ कलियों को पकाएं और उसमें थोड़ा सा अजवाइन के दाने भी मिलाएं और थोड़ा सा पकाएं, फिर उसके बाद इसे छान लें और प्रभावित स्थान पर हल्का गुनगुना रख करके इससे मालिश करें। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस टाइप की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में किसी और अच्छी जानकारी के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।